एडन का बनाया हुआ नया और यूनिक हेयर लॉस ट्रीटमेंट आरसीपी प्लस 16 मॉलिक्यूल वाले मेडिसिन का टेस्टिंग डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक महीने से ज्यादा हो चुका है फीमेल हेयर लॉस के लिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ फीमेल हेयर लॉस के लिए कभी भी लॉन्च कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस अब मुझ में आ गया है। जहाँ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में हेयर लॉस रोकना इतना डिफिकल्ट होता है, वहां पर यह मेडिसिन बिल्कुल स्मूथली हेयर लॉस कम कर रहा है और गैप भी कवर होना स्टार्ट हो चुका है। मेल टेस्टिंग के लिए यह महीना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हेयर लॉस और कम होता जाएगा, रीग्रोथ का चांस और बढ़ता जाएगा और हेयर लॉस तो कम हो ही रहा है। देखते हैं कि इस महीने और अगले महीने में टेस्टिंग क्या टर्न लेता है। ग्रेजुअली मैं तो काफी पॉजिटिव होता जा रहा हूं। एक ऐसा मेडिसिन जो सिर्फ 1 ml एक बार अप्लाई करने पर हेयर लॉस रोक दे और हेयर रीग्रोथ भी कराने लग जाए, ये मेरा ही नहीं आप सबका ड्रीम है। जरूरत है तो सिर्फ पॉजिटिव रहकर वेट करने की। जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि एडन के डॉक्टर की टीम 6 इनोवेटिव एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया हेयर ट्रीटमेंट डेवलप कर रहे हैं। ये वीडियो आरसीपी प्लस 16 मॉलिक्यूल से बने हेयर ट्रीटमेंट की है, जिसके लिए हमने 15 पेशेंट सेलेक्ट किया है और उनका रेगुलर प्रोग्रेस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एडन हेयर केयर एक मात्र ऐसा चैनल है जो हेयर के ट्रीटमेंट के लिए नए मेडिसिन इनोवेट कर रहा है, तो ये चैनल आपसे मिस ना हो जाए और आप हेयर ट्रीटमेंट के मामले में पीछे ना रह जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, 2 पेशेंट किसी इंपॉर्टेंट रीजन से टेस्टिंग से बाहर हो गए हैं। एक का पर्सनल रीजन है, दूसरे का प्रोफेशनल। डॉक्टर श्वेता कांबले और प्रदीप सिंह आउट हो गए हैं, जबकि उनकी जगह पर जानवी मेहता और राहुल आए हैं। जानवी 38 ईयर्स की हैं और ग्रेड 2 फीमेल पैटर्न हेयर लॉस और थिनिंग और गैप भी है। उनको PCOD और डायबिटीज है। हेयर लॉस ऑलमोस्ट 50 पर डे है। इन्होंने ट्रीटमेंट 1 मार्च से स्टार्ट किया है। राहुल 23 साल के हैं, डिफ्यूज हेयर लॉस है और पर डे हेयर लॉस 150 के आसपास है। पहले मिनोक्सिडिल यूज किया था पर पिछले 5 महीने से कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। इन्होंने ट्रीटमेंट 27 फरवरी से स्टार्ट किया है। दोनों पुराने पेशेंट से मिलते जुलते ही सिलेक्ट किए हैं। अब देखते हैं कि सोफिया शेख अपने ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में क्या कह रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोफिया शेख है। मुझे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल का इशू था, बहुत सीवियर हेयरफॉल था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो घर पे सब जगह मेरा बाल हमेशा ऐसे गिरे पड़े रहते थे। तो फिर बाद में बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे डॉक्टर अशोक सिन्हा के बारे में पता चला। सो आई कॉन्टैक्टेड देम एट एडन क्लिनिक और यहाँ पे आने के बाद फिर जब उन्होंने मेरा हिस्ट्री चेक किया कि क्या रीज़न है इतना हेयर फॉल का और उनका कंप्यूटर हेयर एनालिस्ट किया। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हम RCP सीरम ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। सो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सो जब भी वो स्टार्ट किया तो विद इन द फर्स्ट 7 डेज में ही मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मतलब मेरा हेयर फॉल जहाँ पे मुझे पर डे 100 हेयर फॉल्स होता था रिड्यूस हो गया था बहुत ज़्यादा। और अगर मैं लोशन की बात करूँ तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, आपको ऐसे कुछ स्मेल नहीं आएगा। इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली और बहुत ईजी टू कैरी है एंड उससे मेरा हेयर टेक्स्चर, मेरा हेयर फॉल सब बहुत बहुत ज़्यादा हद तक कम हुआ है। एंड उसके बाद बीच में आई वॉज़ नॉट वेल सो आई कुडेंट अप्लाई द सीरम फॉर 2 or 3 days। तो मैंने अगेन देखा कि मेरा हेयर फॉल फिर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। सो आई कॉन्टैक्टेड डॉक्टर सिन्हा अगेन। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि वंस माई मेडिकेशन इज़ डन आई कैन देन स्टार्ट अप्लाइंग द सीरम अगेन, सो वो इशू ना ठीक हो जाएगा। एंड दैट एग्जैक्टली हैपन। उसके बाद जैसे ही मैं अप्लाई कर रही थी फिर से मेरा हेयर फॉल इन कंट्रोल है आई वुड से। एंड आज 27 फेब है, आई वुड से पर डे मेरा हेयर फॉल ऑलमोस्ट 5 to 10 हेयर पर डे होता है। सो इफ़ यू सी पहले मुझे 100 हेयर का हेयर फॉल था, अभी 5 to 10 हो गया है। सो विच इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। सो यस वी हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और कितना अच्छा रिजल्ट आता है। सो थैंक यू।